subscribe Quick News, press the bell icon and never miss an update. फसलो वापस लो, किसानों की जिंदगी खराब करना बंद करो, किसानों की जिंदगी से खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली और आसपास डटे किसानों ने आंदोलन और तेज करने की कावियात शुरू कर दी है। किसानों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। किसानों का एक समूह बारी बारी से 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठेगा। वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार के कृषि बिलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों की मौत पर इंडियन यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार संवेदनहीनता के खिलाफ युवा कांग्रेस का हल्ला बोल शुरू हो चुका है। कांग्रेस का कहना है, 30 से ज्यादा अन्नदाताओं की मौत हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय है। लगातार 26वां दिन देश के किसान देश की राजधानी की सीमाओं के चारों ओर जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार किसान विरोधी जो काला कानून लेकर आई है उनके विरोध में आज देश के अंदर पूरे किसानों में रोष है और लगातार देश की राजधानी में 26 दिन से वो लगातार डटे हुए हैं और इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये काले कानून वापस हो जाए। इस बीच में 25 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई है, वो इस आंदोलन में शहीद हुए, लेकिन ये गंदी बहरी और निकम्मी सरकार लगातार इस आंदोलन को कुचलने के लिए काम कर रही है, जबकि अपनी तानाशाही पूर्ण रवैये पे वो कायम। हम कह रहे हैं कि आज से 100 साल पहले ये वही भारत है जिन्होंने आज से 100 साल पहले अंग्रेजों को भी यहाँ से बाहर भगाया था। आज देश के अन्नदाता में रोष है। आप देखिए, किसी एक सांसद ने, किसी एक मंत्री ने उन आंदोलन में शहीद हुए किसानों के प्रति अपनी संवेदनाएं तक व्यक्त नहीं की। ये दर्शाता है कि इस देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है और भारतीय युवक कांग्रेस के तमाम साथी किसान के समर्थन में आज एकजुट हुए हैं और कृषि भवन के सामने हम किसानों के समर्थन में इस सरकार को डराने का काम कर रहे हैं और हम विश्वास दिलाते हैं कि किसान के हर आंदोलन में उनके साथ है और जब तक ये सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती है हम इसी तरह सड़क से संसद तक आंदोलन करते रहेंगे। वही दुख की बात यह है कि किसान आंदोलन में बैठे 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है जिन्हें राहुल गांधी ने शहीद की उपाधि दी थी। साथ ही यह भी कहा था कि उनका बलिदान अवश्य रंग लाएगा। इससे पहले उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट में जिसमें पंजाब के 22 किसानों की मौत की खबर को ट्वीट कर कहा था कि आखिर कितने अन्नदाताओं को कुर्बानी देनी होगी।